क्या आप भी बचपन में गोरी नालो इश्क मिठा गाते थे? नहीं, वो गलत है। इट्स गुड़ नालो इश्क मिठा। मेरी पंजाबी बेटर होती है। ओह माय गॉड, मेरे दिल का दुख निकल गया इस गाने में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ एवरीडे मेकअप लुक स्पेसिफिकली फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन। यू कैन सी हार्मोनल एक्ने का ब्रेकआउट काफ़ी भयानक चल रहा है थैंक्स टू ऑल द डिलेड पीरियड्स, बट आई विल बी स्टार्टिंग अप विद माय स्किन केयर रूटीन फर्स्ट। मेकअप लुक हमेशा अच्छा टर्न आउट तभी होता है जब स्किन केयर अच्छे से होता है। सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ फेस वॉश, एंड फॉर फेस वॉश आई विल बी यूजिंग द न्यूली लॉन्च सेंट टाइप्स ऑफ फेस वॉश विच इज स्पेसिफिकली मेड फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन। इसका नाम है पिंपल क्लियर फेस वॉश। इट हैज सम रियली नाइस इंग्रेडिएंट्स, लाइक इट इज मेड अप विद 100% नेचुरल टी ट्री एक्सट्रैक्ट, जो सबसे अच्छा माना जाता है फॉर ब्लेमिश प्रोन ऑयली स्किन, जो बैक्टीरिया को किल करता है। प्लस इट हैज 2% सैल्सिलिक एसिड एज वेल, विच इज लाइक परफेक्ट। यू गाइस नो आई लव दिस इंग्रेडिएंट। ये काफी डीपली जाके पोर्स को क्लेंस करता है, इंप्योरिटीज को हटाता है। एक काफी जेंटल एक्सफोलिएंट होता है। अगर आप बिगिनर हो ना तो आप फेस वॉश के अंदर ऐसे एक्सफोलिएटर्स इजिली यूज कर सकते हो। ऑल्सो 87% नेचुरल डिराइव्ड ये फेस क्लेंजर है, जो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, नॉन कॉमेडोजेनिक है, सोप फ्री है, पैराबिन फ्री है एंड अल्कोहल फ्री है। प्लस द बेस्ट थिंग इज ये पीटा अप्रूव्ड, क्रुएल्टी फ्री भी है एंड द प्राइसिंग इज सुपर्ब। ये छोटी वाली ट्यूब आपको 180 rupees में मिलेगी, विच इज लाइक अ स्टील डील। यू कैन सी आफ्टर इफेक्ट, अच्छे से मेरी स्किन क्लेंज भी हो गई। जितना भी ऑयली आपको स्किन मेरी पहले दिख रही थी वो बिल्कुल हट चुकी है और बिल्कुल भी ड्राई नहीं फील हो रही, विच आई रियली लाइक। इसका बड़ा पैकेजिंग भी आता है, यू कैन गो फॉर इट। बाय द वे दे ऑल्सो हैव अ स्क्रब, इफ यू आर समवन हु यूज स्क्रब यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद इट। मैं पर्सनली इतना यूज नहीं करती। इन दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, डू चेक इट आउट बिकॉज आई पर्सनली लाइक द फेस वॉश फॉर माई पर्टिकुलर स्किन। ओके, मूविंग ऑन टू सीरम। यू गाइज नो आई लव सीरम्स। ये ट्रीटमेंट बेस्ड टाइप होता है जो मैं यूज करती हूँ। अभी मेरा मेन कंसर्न है एक्ने मार्क्स और स्कारिंग के साथ, तो मैं उसके लिए यूज कर रही हूँ मिनिमलिस्ट का नायसिनमाइड न्यू फॉर्मुलेशन वाला सीरम। इसके अंदर नायसिनमाइड है, 10% जिंक है, हाइलुरोनिक एसिड है। ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स आर लाइक परफेक्ट फॉर एक्ने मार्क्स, ऑयल कंट्रोल। नायसिनमाइड और जिंक का तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है जो ऑयल को कंट्रोल करता है, और अभी मॉनसून के ह्यूमिड वेदर में हमारा मेन कंसर्न यही है कि हमें पूरे दिन उस ऑयल को कंट्रोल करके रखना है ताकि जब मेकअप करें तो एक्सेसिवली स्वेटिंग और ऑयलीनेस भी ना हो हमारी स्किन पर। नाउ मूविंग ऑन टू मॉइस्चराइजर, आई विल बी यूजिंग माय ओजी फेवरेट मॉइस्चराइजर जो है एक्सला का मॉइस्चराइजर। ये काफी सारे डर्मेट्स भी रिकमेंड करते हैं, बहुत अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करता है, नरिश करता है। इसमें भी नायसिनमाइड है जो स्टार्टिंग इंग्रेडिएंट में आता है, तो अगर आप अभी बिगिनर हो आप यही मॉइस्चराइजर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। आप सीरम मत यूज करना बिकॉज इसके अंदर भी आपको नायसिनमाइड की क्वांटिटी मिलती है। आई लव दिस मॉइस्चराइजर, एकदम लाइट फील होता है बिकॉज अब जो मैं सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ डर्मा को की, ये टिंटेड सनस्क्रीन है, ये थोड़ी सी मैट इफेक्ट की सनस्क्रीन है। इसको अगर मैं डायरेक्ट लगा लेती हूँ ना तो स्किन मेरी हल्की सी क्रैक होने लग जाती है, इसलिए मैं पहले मॉइस्चराइजर लगाती हूँ। आई लव दिस सनस्क्रीन। इफ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यू वॉच माई वीडियोज, यू गाइज नो आई लव दिस वन। ये फिजिकल सनस्क्रीन है जिसका बहुत अच्छा एक टेंट आता है जो बिल्कुल मेरी स्किन कलर से मैच होता है। एंड अगर आपको एक्ने एंड ऑल के इतने इशूज नहीं है ना, मतलब आपको थोड़े बहुत एक्ने के मार्क्स हैं, तो आई थिंक आप इसी टिंटेड सनस्क्रीन को खाली यूज कर सकते हो। आपको बीबी क्रीम फाउंडेशन लगाने की भी एवरीडे में जरूरत नहीं है बिकॉज ये भी काफी अच्छे से रेडनेस को कम कर देता है। आई एम नॉट सेइंग ये कंसीलर या फिर फाउंडेशन है जो आपके एक्ने मार्क्स को हाइड कर देता है, बट यू कैन सी कि मेरे जो एक्ने की रेडनेस थी वो इसने काफी अच्छे से कम कर दी बिकॉज का जो टिंट का कलर है वो काफी अच्छे से मुझे स्किन पर सूट कर रहा है। आई लव दिस वन। अगर आप फिजिकल सनस्क्रीन ढूंढ रहे हो जो व्हाइट कास्ट ना देती हो बिल्कुल भी, यू कैन गो अहेड विद इट। बट सिंस मैं थोड़ा सा एवरीडे वर्क वेयर सॉर्ट ऑफ लुक क्रिएट कर रही हूँ, मैं हल्की सी कवरेज वाला फाउंडेशन भी यूज करने वाली हूँ। सो आई बी यूजिंग माई मेबलिन सुपर स्टे। आई लव दिस वन। जो भी लोग कहते हैं बीबीसीसी क्रीम दिखा दो, आई वुड से एक फुल कवरेज का फाउंडेशन ले लो, हल्का ही लगाओ लेकिन एटलीस्ट वो आपको एक अच्छी कवरेज तो देगा। अगर आप बहुत कम कवरेज वाला बीबीसीसी क्रीम कुछ ले लोगे ना, फिर आप उसको भर के लगाओगे, वो और ज़्यादा आपके पोर्स को क्लॉक करेगा। सो व्हाट आई डू, मैं इसका बहुत थोड़ा क्वांटिटी लेती हूँ। यू कैन सी मैंने एक पंप ही लिया था, और खाली जहाँ पे एक्ने मार्क्स एंड ऑल है ना, मैं वहाँ पर इसको कंसंट्रेट करके हाथ से ब्लेंड कर रही हूँ। एवरीडे किसी के पास टाइम नहीं होता ज़्यादा फैंसी होने का, मैं वीडियोज़ के लिए ब्रशेस यूज़ कर लेती हूँ, बट ट्रस्ट यू मैं डेली बेसिस पर ऐसे ही मेकअप करती हूँ हाथ से। एंड खाली जहाँ पे एक्ने मार्क्स थे ना, मैंने वहाँ पर इसको लगा लिया, उसके बाद ब्रश मेरे पास सेट रखा ही था ऊपर, तो मैंने यूज़ कर लिया। मैंने क्या किया, लेफ्ट ओवर को पिकअप करके स्किन पर अच्छे से पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया। एंड यू कैन सी एक्ने मार्क्स अभी भी हल्के से विजिबल है, एंड आई डोंट केयर बिकॉज एवरीडे जो लाइट मेकअप लुक होती है उसमें ये हमें फुल कवरेज नहीं अचीव करनी होती, थोड़ा सा एक नेचुरल लुक चाहिए होती है, एंड इट इज परफेक्ट फॉर दैट। आई विल बी यूजिंग अ ब्लश। ब्लश मैं हमेशा यूज करती हूँ बिकॉज इसके बिना स्किन बड़ी अधूरी लगती है। मैं यूज करने वाली हूँ अर्थ रिदम का लिप एंड चीक टिंट, जो काफी लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब अगर आप मॉनसून के टाइम पर फिर आपको स्वेटिंग ज्यादा होती है, आपका ब्लश उतर जाता है ना, आई वुड से इसको एज अ बेस ब्लश भी आप यूज कर सकते हो। मैं पार्टी मेकअप भी जब करती हूँ ना, मैं इसको एज अ बेस ब्लश यूज करके फिर इसके ऊपर
मैं पाउडर ब्लश यूज़ कर लेती हूँ, बट आज मैं खाली यही यूज़ कर रही हूँ। ये मार्स का मेकअप ब्रश सेट है बाय द विच आई एम लविंग इट। ये 1000 रुपये का आता है एंड इट इज़ सो गुड, एकदम लग्जरी फील कराता है। और उसमें जो ये पर्टिकुलर वाला ब्रश है ना, ये मेरा फेवरेट है बिकॉज से काफ़ी अच्छे से जो ब्लश है वो ब्लेंड हो जाता है। ये वाले जो पर्टिकुलर लिप एंड चीक टिंट है ना, इसको जब मैं फिंगर से लगाती हूँ ना, वो थोड़ा सा पैची हो जाता है, अजीब लगता है, इसलिए मैं ब्लश ऐसे ब्रशेस प्रेफर करती हूँ बिकॉज ब्रश से काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। एंड यू कैन सी हाइलाइटर लगाने की जरूरत नहीं है। इस जो ब्लश का जो पूरा लुक है ना, वो काफ़ी ड्यूई और शाइनी है, विच आई पर्सनली लव। मॉनसून ह्यूमिड प्रूफ मेकअप की बात हो रही है तो ऑब्वियसली हमें सेट तो करना ही पड़ेगा। एंड आई विल बी यूजिंग माई फेवरेट के ब्यूटी का HD सेटिंग लूज पाउडर। ये उनका ट्रांसलूसेंट वाला वर्जन है जो एकदम व्हाइट कलर का आता है। अगर आपको अपना स्किन टोन नहीं समझ आता ना ऑनलाइन लेने में, आई वुड से गो फॉर दिस वन बिकॉज ये ट्रांसलूसेंट सबको सूट करने वाला है। बिल्कुल भी कोई व्हाइट कास्ट या फिर व्हाइट व्हाइट नहीं करता, आपकी स्किन को काफ़ी अच्छे स्किन को सेट कर देता है और बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता। दिस इज़ वेरी लाइट एंड नरिशिंग ऑन योर स्किन, आई पर्सनली लव दिस वन। सो इसको मैं सबसे पहले टी जोन पे अप्लाई करती हूँ बिकॉज हमारा जो फेस का टी जोन होता है वो सबसे ऑयली होता है। फिर जो रिमेनिंग होता है उसको मैं पूरे फेस पर लगा रही हूँ। एंड जहाँ जहाँ मुझे पता है सबसे ज़्यादा मेरा ऑयल सिक्रीशन थोड़ी देर बाद शुरू हो जाता है, मैं उसको वहाँ पर एक्स्ट्रा लगा रही हूँ, लाइक नोज़ के पास, चिन के पास, नेक लाइन के पास काफ़ी पसीना आता है तो मैं वहाँ पर अप्लाई कर देती हूँ। एंड या दिस इज़ लाइक द मोस्ट रियलिस्टिक ट्यूटोरियल बिकॉज मैं ऐसा ही एवरीडे बेसिस पर मेकअप करना प्रेफर करती हूँ। अब क्या है ना, शूट करते करते मुझे आई शेडोज लगाने की आदत होगी, तो अगर मैं कभी नहीं लगाती तो बड़ा अधूरा लगता है। सो वॉट आई डू, मैं फटाफट ये लव अर्थ का लिप एंड चीक टिंट लेती हूँ। ये है शेड किस एंड टेल, जो मेरा आजकल का सबसे फेवरेट शेड है। ये सबसे बेस्ट न्यूड लिप शेड भी बन जाता है। सो इसको मैं जल्दी से आइस पर लगा लेती हूँ। एंड ये लिटरली 5 मिनट सॉर्ट ऑफ मेकअप है जो आप फटाफट कर सकते हो, आपको ब्रशेज आई शेडो लेने की जरूरत नहीं है। एंड यू कैन सी द डिफरेंस, कितना नेचुरल ये कलर आता है इससे। आपकी प्लेन आईलिड कितनी बोरिंग लग रही है और जहाँ पर मैंने लगाया कितना अच्छा लग रहा है, बिकॉज दोनों मतलब जब ये कलर लगाओ ना तो काफ़ी अच्छा एक इफेक्ट आता है, ज़्यादा हैवी नहीं लगता। सो अगर आप भी कुछ ऑफिस के लिए मेकअप करना चाहते हो ना जो लाउड ना लगे लेकिन फिर भी एक हल्का सा नो मेकअप मेकअप लुक हो, तो ये ट्रिक आप ज़रूर कर सकते हो। नाउ आई विल बी कर्लिंग माई लैशेज। एवरी डे लोग जो फटाफट वाला होता है ना, मैं उसमें विंग लाइनर नहीं करती बिकॉज उसमें टाइम लगता है, लेट्स एक्सेप्टेड, विंग लाइनर बनाने में आराम से बहुत टाइम लगता है। सो वॉट आई डू, मैं ये लिप एंड चीक टिंट लगाती हूँ, लैशेज को फटाफट कर्ल करती हूँ और फिर मस्कारा लगा लेती हूँ। आजकल मैं ये वाला मस्कारा काफ़ी यूज़ करती हूँ, ये द बाम का मैड लैश मस्कारा, ये उसका मिनी वर्जन है, अभी नायका की सेल पर आपको काफ़ी अच्छी डील पर मिल जाएगा। नाउ रियल लाइफ में जब एवरीडे मेकअप लुक मैं करती हूँ ना, मैं मस्कारा ऐसा लेती हूँ जो बहुत लाइट होता है, जो हैवी फील नहीं होता, मतलब जो वॉल्यूमनाइजिंग या फिर लेंथनिंग इतना नहीं होता। ये मस्कारा काफ़ी लाइट है, हल्की सी लेंथ देता है और प्यारा लगता है, बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता है। यू कैन सी मेरी लैशेज बिल्कुल भी हैवी नहीं लग रही बिकॉज रियल लाइफ में ऐसा ही मस्कारा अच्छा लगता है। जो आप अननेसेसरी हैवी कर लेते हो ना लैशेज, वो पार्टीज शादी में अच्छा लगता है लेकिन एवरीडे में नहीं अच्छा लगता। सो आई डू अनदर ट्रिक, व्हाट आई डू, आई यूज़ न्यूड कलर का कोल ऑन माय लोअर वाटर लाइन। अगर आपकी भी आईज छोटी हैं, फिर आपको थोड़ा सा बड़ा आईज का इफेक्ट पसंद है, फिर आपकी हुडेड आईज हैं, आप स्पेक्स लगाते हो, आप चाहते हो आपकी आंखें थोड़ी सी बड़ी लगें, आप ये ट्रिक कर सकते हो। आप न्यूड कलर का कोल ले सकते हो, ये मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का लिया था नायका से और इससे काफ़ी अच्छा एक मतलब एकदम आईज आपकी खुल जाती हैं वैसा इफेक्ट आता है। नाउ कमिंग टू लिप्स, आई विल बी लाइनिंग माय लिप्स। आजकल मेरा फेवरेट ये लिप लाइनर है जिसको मैं हर रोज़ ही ऑलमोस्ट यूज़ करती हूँ, मतलब जब मैं लुक क्रिएट करती हूँ कहीं जाने के लिए। यह माई ग्लैम का लिप लाइनर इन द शेड स्टीज एंड ओ माई गॉड इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल कलर, एकदम माई लिप्स बट बेटर वाला ये कलर है। अगर मैं खाली भी यूज़ कर लेती हूँ ना तो अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा एक न्यूड इफेक्ट देता है। आज के लुक के लिए मैंने लिपस्टिक ऐसी चूज़ करी है जो काफ़ी न्यूड एवरीडे वर्कवेयर लगे बिकॉज हम थोड़ा सा ऑफिस वर्क के हिसाब से लुक क्रिएट कर रहे हैं। और मैंने अपनी ऑल टाइम फेवरेट लिपस्टिक यूज़ करी है, मेबलिन की जो टच ऑफ स्पाइस आती है, मेरी ओल्ड फेवरेट। ये सबसे बेस्ट लिप शेड है अगर आप थोड़ा सा ऑफिस या फॉर्मल वेयर के लिए देख रहे हो बिकॉज ये लाउड नहीं लगता, काफ़ी अच्छा एक न्यूड इफेक्ट देता है आपके लिप्स को। एंड इस लिप लाइनर के ऊपर इसका हल्का सा शेड थोड़ा सा और डार्कर न्यूड आया, वैसे थोड़ा सा लाइट पिंकिश की साइड आता है लेकिन वो मिक्स होकर ना थोड़ा सा डार्क लग रहा है, बट आई लाइक इट। आई थिंक वर्क के हिसाब से ना ऐसे वाले शेड काफ़ी अच्छे लगते हैं। सो आजकल वैसे फैशन नहीं है मैट लिप्स का, तो मैंने क्या किया, मैंने क्योर्स का लिप ऑयल रोल ऑन ले लिया, जो वैसे लिप बाम सॉर्ट ऑफ ऑयल है जो आप डायरेक्टली अपने लिप्स पर लगा सकते हो, बट मैं इसको एज ए लिप ग्लॉस यूज़ करती हूँ बिकॉज ये काफ़ी नरिशिंग है और लिप्स को भी प्रोटेक्ट करता है। आपके ऐसे मैट लिपस्टिक यूज़ करते हो ना काफ़ी चापी हो जाते हैं, फटने लगते हैं, तो ये वाला ऑयल काफ़ी अच्छे से नरिश भी करता है। एंड दैट इज़ इट, दिस इज़ लिटरली लाइक अ रियल लाइफ एवरीडे मेकअप लुक। इसमें मैंने कुछ भी लाउड नहीं किया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैमरा, ये कैमरा पे काफ़ी नॉर्मल लग रहा होगा बट दिस इज़ लाइक एवरीडे लुक। एंड लास्ट स्टेप जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेसिफिकली अगर आप मास्क बहुत टाइम के लगाने वाले हो या फिर आपको स्वेटिंग अननेसेसरी होती है, प्लीज़ अपना मेकअप सेट किया करो। ये मैक का न्यू फिक्स प्लस आया है जो छोटे साइज में अब आ गया है, 750 समथिंग रुपीज़ का है। इनफैक्ट इसका स्प्रे जो है ना, ये फुल साइज से बेटर है बिकॉज
बिकॉज ये काफ़ी अच्छे से मिस्ट बना देता है, आपके पूरे फेस को कवर करता है। सो इसको मैं लगा के छोड़ देती हूँ और मैं अभी अपने आईब्रोज भी क्लीन कर लेती हूँ बिकॉज वेट होते हैं बाल, तो ईजिली जो भी रेसिडी होता है निकल जाता है। आई एम ब्लेस्ड विद बुशी आईब्रोज, तो मैं आईब्रोज अपनी रियल लाइफ में फिल नहीं करती। अगर आप करना चाहते हो तो आप कोई भी ओल्ड मस्कारा या फिर मस्कारा का जो जो लेफ्ट ओवर पार्ट होता है ना उससे फिल इन कर सकते हो, उससे भी जल्दी आपके एक बुशी आईब्रो इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। एंड दैट इज़ इट, इट्स लाइक अ रियल लाइफ एवरीडे मेकअप लुक। आप लोग कहते रहते हो ऑफिस के लिए कोई लुक बताओ, क्रिएट करो ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए। ये रहा हमारा टिश्यू टेस्ट, यू कैन सी मैंने पूरा डैप करके देखा है, कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ बिकॉज एक तो हर चीज़ मैंने लाइट यूज़ करी है प्लस उसको सेट अच्छे से किया है। एंड या इफ यू लाइक इट गिव इट अ बिग थम्स अप, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।